हुण प्यो की भी यही जिम्मेवारी बनती है, मां की भी आ जिम्मेवारी बनती है कि पुत्र तो मुगध है, मूर्ख है, इयाना है, पर कृपा धार दीजे मत उत्तम। पिता समझावेंगे। शुरू तो असी शुरू होने, कहते जदों बच्चा जमे है शुरुआत सात संगत। आम किया जाता है मदर इज द फर्स्ट टीचर। बच्चा स्कूल च बाद च जाएगा, पहले सिख्यावां वो मां प्या को सीखेगा, प्यो भी बाद च मां को पहले सीखेगा, मां दे कोलों सब तो पहले सीखेगा। बड़ा कुछ निर्भर करता है मां दे उपर कि वो अपने बच्चे नू की कुछ सिखाती है, की कुछ सिखाती है। बच्चा कॉपी करता अपने मापिया फॉलो करता। जिदा जिदा तुसी घर का माहौल बनाओगे उदा उदा उस माहौल की छवि तुहाडे बच्चे दे उपर आंदी जाएगी। ध्यान देना, घर दे विच बोली ठीक नहीं मापिया दी, यह सच्चाई है, बच्चे की भी बोली सही नहीं होएगी। मां प्यो का घर सुभा कौड़ा है, माड़ा है, नफरत वाला है, बच्चे का भी उदा बनता जाएगा। जिदा का सुभा मां प्यो का होएगा बच्चा कॉपी करने की कोशिश करेगा। हुण तेरी रिस्पोंसिबिलिटीज इतों शुरू हो गई हैं। तू कितना देखना चाहती है मां अपने बच्चे, जिदा वेखना चाहती है, बस घर के माहौल नूं उदा ढालना शुरू कर दे। आखो सतनाम। घर के माहौल तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये मां प्या के फर्ज बनते ने बच्चे प्रति। मां गुरु दे नाल अपने बच्चे नू जोड़, जे उदा चंगा भविख चाहुंदी, गुरबाणी दे नाल धर्म दे नाल जोड़ दे उनू, जे उदा चंगा भविख चाहुंदी। हर मां बाप चाहुंदा है कि मेरे बच्चे दा चंगा भविख बने, पर मैं वेखदा बच्चा जमदा, अज बच्चे तो मां प्यो की गोदी खुस जाती, मां की गोदी खुस जाती, बच्चा जमदा आए दे हाथ दे विच पलिया जाता, अज मां की गोदी बच्चे को खुस गई। जिस गोदी दे विच बच्चे ने बहुत कुछ गुरमत की गल सीखनी सी, बहुत कुछ धर्म की गल सीखनी सी, अज गोदी आ गई आया दी। मां नू बच्चे दे प्रति ना कोई ऐसा स्नेह रह गया, ना कोई ऐसा लगाव रह गया कि अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज पूरी कर सके। ध्यान देना, मां अपनी रिस्पोंसिबिलिटीज तो दूर होती जा रही। अज का जेड़ा माहौल है, अज का जेड़ा कल्चर है, जिन्हों आप मॉडर्न सोसाइटी कहेंगे, कदे फैशन प्रस्ती दे विच मां लगी है, कदे किटिया दे विच मां लगी है, जिन्हां ते कृपा है दास उन्हां दी गल नहीं करता, पर बहुतात थावां ते देखिया जांदा है कि हो रहा है जी। बच्चे को मां की गोदी क्यों खुस गई, क्यों खुस गई जी, क्यों अज मां बच्चे नू गोदी च बिठा के अपने कोल बिठा के सिख्यावां नहीं दे रही। सही मायने दे विच अज ना मां दे कोल समा रह गया, ना बाप दे कोल समा रह गया। आखो सतनाम। मां की अपनी एक सोसाइटी बन गई, प्यो की अपनी एक सोसाइटी बन गई।
आया दे हाथ दे विच साडा बच्चा चला गया, आया दे हाथ दे विच की कुछ सिखेगा जी, की कुछ सिखेगा आया दे हाथों। मां गुजरी कोलो सिख, मां जिंदा कोलो सिख, ध्रुव दी माता कोलो सिख, बाबा फरीद दी माता कोलो सिख। जे अपने बच्चे का भविख चाहुंदियां सत्संग इतिहास कदे पढ़ के वेखो, मां जिंदा दा, महाराणी जिंदा दा, महाराजा रणजीत सिंह जी तो बाद गोरिया ने बहुत चलाकी दे नाल महाराजा दलीप नूं बाहर भेज दिता। दास खाली संखेप मात्र तुहाडे चरणां च इतिहास रखना चाहुंदा, बाकी तुहानूं पता ही मां दा फर्ज देखो की है। मां दा फर्ज की, मां ने अपने बच्चे नूं सिक्खी दी गुड़ती दित्ती है, और ऐसी गुड़ती दित्ती है कि गुरु ते गुरु दी बाणी उहदे नस नस दे विच वड़ चुकी। पर जदों गोरे ने वेख्या, अंग्रेज ने वेख्या कि जे ये महाराजा दलीप अपनी मां दे कोल रहा, उदों महाराजा दलीप नूं राज तिलक दे दिता गया। एक कमिटमेंट हो गई है कि जदों ये होश संभालण जोगा हो जाएगा, जदों ये राज संभालण जोगा हो जाएगा तो पंजाब दा राज नूं दे दिता जाए, तो इहदी तालीम वास्ते इहनूं इंग्लैंड भेज दिता जाए, इहदी तालीम वास्ते इहनूं बाहर भेज दिता जाए। दो इहदे विच सात संगत सोचां सन गोरियां दीआं, एक तां बाहर भेज के इहनूं इहदे कल्चर तों दूर कर दिता जाए, एक इहनूं बाहर भेज के मां तो अलग कर दिता जाए, वो मां जिहड़ा इहदे अंदर सिक्खी का जज्बा भरदी है, सिक्खी का जज्बा भरदी। ना ये सिख रहेगा, ना इहदे कोल सिक्खी रहेगी, तो कहिंदे जे ये तख्त संभालेगा तो ये सिक्खी तो पतित होकर साडे मुताबक राज चलाएगा। आखो सतनाम भेज दिता गया, उत्थे परवरिश की गई गोरियां दे हाथ दे च महाराजा दलीप की परवरिश हुई, ईसाई दाइयां दे हाथ दे विच उहदी परवरिश हुई, सिक्खी तो दूर कर दिता गया, केस मुण दिते गए, पूरा अंग्रेज बना दिता गया, अंग्रेज फिलोसफी उहदे अंदर पा दित्ती गई, अंग्रेजी सिद्धांत उहदे अंदर पा दिते गए, ईसाइयां दे सिद्धांत सारे। 22 साल बाद मां दा मेल होना जी कलकत्ते एयरपोर्ट दे विच, 22 साल बाद महाराजा दलीप नूं भी अंदर तड़फ उठी पई है मैं मां नूं मिलना। इधरों मां सात संगत रो रो के विजोग दे विच इतिहास लिखदा अन्नी हो चुकी सी, महाराणी जिंदा दी अखां दी रोशनी चली गई सी, अन्नी हो चुकी है। एयरपोर्ट दे विच कलकत्ते मेल होया, जदों महाराजा दलीप नूं दस्या गया ओ तेरी मां है, अंदर खिच पई हुई सी। महाराणी जिंदा नूं कहा गया कि आ तेरा बच्चा दलीप आ रही, अगे होके मिल लै, जां अगे होके मिलिया मत्था चुमना चाहिया, सिर ते हाथ जदों फेरिया, सिर ते क्या हाथ फेरिया, जदों वेख्या केस ही नहीं पिछे हो गए, मां जिंदा पिछे हो, बां मार के रोण लगी, कहिंदे ओ दुनिया दे लोको मेरी अन्नी दे नाल मजाक ना करो, मेरे नाल मखौल ना करो, कोई होर लिया के तुसी दलीप बना के खड़ा कर दोगे ते मैनू तुसी धोखा दे दोगे। कहिंदे मैं एक मां हां, इन्हां हत्थां दे नाल मैं अपने बच्चे दी गुत गुण दी रही, जूड़ा करती रही, केस वाउंदी रही, कहिंदे इन्हां हत्थां नूं पछाणे उन्हां केसां, जिस सिर ते केस नहीं ओ मेरा दलीप नहीं हो सकदा। देखे ध्यान देख, आ मां दा रोल है, ये मां दा रोल है, कहिंदे जिस सीस ते केस नहीं ओ मेरा दलीप नहीं हो सकदा। इधरों दलीप रोई जावे, कही जावे मां मैं ही तेरा दलीप,
कहिंदे बच्चिया झूठ ना बोल, मेरे दलीप दे सिर ते केस सन, मेरे दलीप दे कोल गुरु दा सिद्धांत सी, मेरे दलीप दे कोल गुरु दी मत सी, और जिदे सिर ते केस ही नहीं कहिंदे ओदे कोल गुरु दा सिद्धांत की रहेगा ते मेरे दित्ता ज्ञान की रहेगा, नहीं तो मेरा दलीप नहीं हो सकता। रो रो के चरना ते डिगा कहिंदे मां मैं ही तेरा दलीप हां, ते अज तो बाद मैं वादा करदा तेरे नाल कि आ दलीप हुण तेरा दलीप बन के दिखाएगा, गुरमत विच आएगा, दलीप फिर तो केस रखेगा तो सतनाम। कहिंदे इतिहास पढ़ो सात संगत, दलीप ने केस रखे, जदों केस रखे गुरमत विच आया, मां ने सीने ना लाया, हुण इथों की कढोगे, मां दा किड्डा वड्डा रोल सी, मां सी ते सिखी सी, मां विछड़ गई सिखी गई, ओ मां फिर मिल गई सिखी फिर आ गई, आखो सतनाम। अज बच्चे कोल मां है, अज बच्चे कोल दलीप दी तां मां विछड़ गई सी ते सिखी विछड़ गई ना, अज मां बच्चे कोल है फिर भी सिखी तो दूर है तेरा बच्चा, मां सच जानी तू बच्चे कोल होंदी होए भी बच्चे कोल नहीं है, आखो सतनाम। जे मां जिंदा फिजिकली विछड़ी ते सिखी गई ना, तू कोल होंदिया भी सिखी तो दूर है तेरा बच्चा, ते समझ लई तू कोल होंदिया भी दूर है, कोल होंदिया भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल। मां आओ किवें सतगुर कहिंदे ने, मुबारक मोगे दे आन, मुबारक मोगे दे आन, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल विगार, 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 जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, हम बारक मोगे दे आन, हम बारक मोगे दे आन, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। साहिब कहिंदे बारक तां इयाणी मत दा है, फर्ज तां मापिआं दा सी, ठीक है अज महंगाई दे जुग करके मां नूं नौकरी करनी पैंदी, जिदे करके आया रखी जांदी। कई कहिंदे होणगे जी हुण पूरी नहीं पैंदी, सानूं नौकरी करनी जरूरी है, काम करना जरूरी, फिर बच्चे कित्थे रखी, बच्चे आया कोल ही पलणगे, आया कोल ही पलणगे। जे तेरे अंदर गुरसिक्खी लई प्यार होया ना, तू रस्ते लभ लेगी। आ मैनू किसी ने दसिया जी, मैनू गल बड़ी चंगी लगी, ओ मियां बीबी दोनों ही नौकरी करन वाले ने, सवेर तो लैके तकरीबन शाम तक आया संभालदी है बच्चा,
सिख आया रखी है उन्होंने, ते उन्हां मापिया ने की कीता, आया नू कहता है केंदे आ तेरी जिम्मेवारी बनती है रोज बच्चे नू इन्नी इन्नी चीज सिखाई जानी है, रोज रोज बच्चे नू सिलेबस देता उन्होंने माड़ा माड़ा कि जपजी साहब दियां दो पौड़ियां, चुपई साहब दे इन्नी पौड़ियां, मूल मंत्र ऐदां बच्चे नू तू सिखाई जाना होली। देखो आया दे हाथ च तेरा बच्चा गया, पर तेरा शौक होवे मेरा बच्चा गुरसिखी दे नाल जुड़िया रवे, आखो सतनाम। जे घर दादियां ने, जे घर दादे ने, दादा दादी घर ने ना, उन्हां दी की जिम्मेवारी बनती है जी। अज रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स है, पेरेंट्स दे विच दादा दादी भी आ गए। जे मापे गए ने घर, तुसीं आया नहीं रखी, दादा दादी हैगे ने, हुण दादा दादी दा फर्ज बनता है, दादा दादी अपने रिस्पोंसिबिलिटीज तो मुनकर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ओए अज ओ दादी दी लोड़ है जेड़ी दादी अपने बच्चियां नू गुर इतिहास दे नाल जोड़े, अपने बच्चियां नू गुरबाणी नाल जोड़े, रोज जपजी साहब दी इक इक पौड़ी याद करावे, सुखमनी साहब दियां चार चार लाइनां ही भावें याद करा, भावें एक अष्टपति दे अठ पदे होंदे ने, एक एक पदा रोज याद करवा। कि तेरी जिम्मेवारी है दादी, तू रोल अदा कर जो मां गुजरी दादी ने रोल अदा कीता सी, आखो सतनाम। जे घर च दादा दादी ने, वो ये नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेवारी मापिया दी है जी, सारी जिम्मेवारी मापिया दी, नहीं, ये तुहाडा भी मुढ़ला फर्ज है, मुढ़ला फर्ज अपने बच्चियां दे। तुसी ऐसी अख दे नाल वेखना, आई वॉच रखनी है कि तुहाडा बच्चा कर की रहा। असी अपने बच्चियां नू एक्टिविटीज कराने, शौक रखते हैं, मेरा बच्चा डांस कॉम्पीटिशन च जावे, मेरा बच्चा सिंगिंग कॉम्पीटिशन च जावे, मेरा बच्चा फलानी थान ते, हर एक्टिविटीज दे विच तू अपने बच्चियां नू पांदी है। पिता नू शौक होंदा मेरा बच्चा इस एक्टिविटीज विच, इस एक्टिविटीज दे विच जावे, वो कदे शौक रखे ही कि मेरा बच्चा संगत विच बह के कीर्तन भी करे, आखो सतनाम। कदे स्टेज दे उपर बह के वो भी कीर्तनीय वांग कीर्तन करे, वो भी गुरमत दा प्रचार करे। शौक रख मां कि मेरा बच्चा भी कीर्तनिया बने, मेरा बच्चा भी गुरमत दा धारनी बने, उन्नू उहो जी एक्टिविटीज वल लगा। क्योंकि जिदा जिदा तुसी बचपन दे विच ही अपने बच्चे नू शौक पाओगे ना, मां कहिंदी बेटा डांस सिख, मैं तैनू अज बड़े डांस शो हो रहे है उहदे विच भेजना चाहुंदी हां, उतो इनाम जित। हुण बच्चे का इंट्रस्ट तुसी डांस दे विच पाता है, गाणियां च पाता है, होर दुनियावी चीजा च पाता है, ते फिर बाद च तुसी तब्दील करना चाहोगे उसका इंट्रस्ट की हो जाए। अपनी रिस्पोंसिबिलिटी समझ मां, समझ। हम बारक मुगद इयान, कहिंदे मैं एक मुगद इयान बारक हां, पिता समझावेंगे। बाद च तू बच्चे का दोष कढ़ दी, बच्चा तो एक इनोसेंट सी, बच्चा तो इयाना सी, पिता समझावेंगे। मापिया की रिस्पोंसिबिलिटीज बनती सी उस वेले ट्रैक च लिया, उस वेले अपने बच्चे ट्रैक च लिया, सही ट्रैक च लिया, नहीं लिया तो बाद च की होंदा, ओह बच्चा जो ट्रैक गलत निकलता, गलत ट्रैक ते चला जाता है, माड़ी संगत च तुर पैंदा है, फिर मार आउंदी फिरदी, फिर मार आउंदी फिरदी, फिर कुरलांदी फिरदी है, मेरे बच्चे नू कोई सीधा कर दे। ओ मां तू ही अपने बच्चे नू सवार सकदी सी, तू ही अपने बच्चे की जिंदगी निखार सकदी सी, उन्हूं तरक्कियां ते लैके जा सकदी सी। हर तालीम दिओ बच्चे नू, हर तालीम दिओ। मापिआं दा शौक हुंदा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, वड्डा जज बने, वड्डियां पोस्टां ते बैठे। मैं सच कह दिया मां एक ख्वाहिश माड़ी नहीं, तेरा बच्चा वड्डियां पोस्टां ते बैठे, पर जे जज दी पोस्ट ते बैठे, जज दी कुर्सी ते बैठे,
गुरमुख जज बन के बैठे आखो सतनाम गुरमत पहले उदे कोल हो जे डॉक्टर दी कुर्सी ते बैठे डॉक्टर बन के गुरमुख डॉक्टर बन के बैठे जे इंजीनियर दी पोस्ट चे वड्डे इंजीनियर दी पोस्ट चे बैठे उदी कुर्सी ते बैठे गुरमुख इंजीनियर बन के बैठे पहले गुरमुखता आवे पहले धर्म की पढ़ाई उन्हें सिखा साहब की कह दी हम बारक मोके दे ज्ञान हम बारक मोके दे ज्ञान पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे। अदास ने ना एक वीडियो देखी उदे च शेख अतुल्ला खान इस्लाम धर्म के सूफी संत ने प्रचार पे करते सन अपने धर्म का कहते मैनू सऊदी अरब जाण का मौका मिलिया ध्यान देना सऊदी अरब जाण का मौका मिलिया कहते मैं जो उत्थे गया किसी ने मैनू बेनती की कि उन्हां दा कोई रिश्तेदार हस्पताल दे च एडमिट है उन्हों देखण चल कहिंदे मैं चला गया जदों हस्पताल गए उत्थे समा ज़्यादा लग गया कहिंदे इधर मेरे नमाज दा वेला हो गया हुण कहिंदे मैं उन्हों कहा मस्जिद किधर है आपां नमाज अदा करनी ते किसी ने कहा कहिंदे हस्पताल दे विच ही ना मस्जिद बनी है आप जी इत्थे अदा कर कहिंदे चंगा कहते जो हूँ मैं अस्पताल तो निकल के उसी कैंपस के मस्जिद से कहते जो मैं मस्जिद से जा रहा ना नमाज अदा करने वास्ते तो कहते मेरे मन में चलता पे है कहते हस्पताल के मस्जिद खोलती इन्होंने कहते कौन नमाज अदा करता होएगा इतने आके ध्यान ना सुनो कौन नमाज अदा करता होएगा वेली पई रही होगी मस्जिद कहते जदों मैं अंदर वड़िया मेरी हराणी की हद ना रही मस्जिद पूरी दी पूरी साध संगत भरी हुई और भरी कि डॉक्टर के नाल हस्पताल के स्टाफ के नाल आखो सतनाम कहते मैं हैरान हो गया कमाल हो गई भी ये सारे नमाजी ने नमाज पढ़ने वाले कहते मैं भी जाके बह गया कतार दे मैं भी लग गया भी नमाज अदा कर कहते उस तो बाद मेरी होर हैरानी की हद ना रही जिहड़ा एक आगू आंदा नमाज सारियां दे फिर पढ़ांदा कहते वो एक नौजवान मुंडा आया सामने आके खड़ा हो कहते जो मैं वेख्या इन्हें नमाज पढ़ानी है सारे मैं हैरान हो गया इन्हें नमाज पढ़ानी कहते वो डॉक्टर सी उस हस्पताल का सीनियर डॉक्टर आखो सतनाम नौजवान मुंडा सी सीनियर डॉक्टर सी ते कहिंदे मेरे मन दे विच ना प्रश्न चल रहे ने इन्हें नमाज पढ़ानी कहिंदे जदों उस नौजवान मुंडे ने जिहड़ा सीनियर डॉक्टर सी उत्थे दा कहिंदे जदों उन्हें नमाज शुरू की इन्ने प्यार दे विच इन्नी भावना दे विच कहिंदे इन्ने रंग दे विच उन्हें नमाज पढ़ी इन्ने अंदरों भावक हो गए कहिंदे मैं सच कह रहा मेरिया अखां भर गई ते मैं अपने मन दे जे गल कह रहा सी धन ए ते धन इन्हां दे वालिद आखो सतनाम वालिद कहिंदे माँ प्यो कहिंदे धन ए ओ धन इन्हां दे मापे जिन्हां ने इन्नू इन्नी सोहणी तालीम दित्ती डॉक्टर बन जाना माड़ी गल नहीं पर कहिंदे नाल धर्म तां रख नाल धर्म तां तेरा बच्चा वड्डी पोस्ट दे उपर बैठा होवे वड्डा डॉक्टर होवे पर होवे अमृत वेले दा धारनी अमृत वेला संभाल के पूरा नितनेम पंजा बाणियां दा करके सुखमणी दा जाप करके जावे ना जिथे मर्जी आखो सतनाम मां ए तेरी ड्यूटी है ए तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिता ए तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
हम बारक मोगे दे यान हम बारक मोगे दे यान पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे। देखो ये तो सी गल जेड़े ओ बच्चे जिहड़े हाले छोटे ने कई मापे कहिंदे ने कहिंदे जी साडा बच्चा बचपन च बहुत जुड़िया सी जदों जदों वड्डा हुंदा गया स्कूल गया कॉलेज गया कहिंदे विगड़ गया हाथों बाहर निकल गया कहिंदे ना इत्थे आके तेरियां कुछ रिस्पोंसिबिलिटीज़ बनदी रिस्पोंसिबिलिटीज़ बनदी नाल ड्यूटीज़ है तेरी जदों बच्चा वड्डा हुंदा जावे जेड़े मापे अपने बच्चियां दे नाल हफ्ते बाद दस दिन बाद काउंसलिंग करदे ने मैं अक्सर वेख्या उन्हां दे बच्चे सही ट्रैक च चलदे रहिंदे ने। आखो सतनाम अज मापिआं नूं समां ही नहीं है बच्चियां दे नाल काउंसलिंग करन दा। तुहाडे चों किहड़े मापे हैगे है जी सच सच दस्सिओ सच झाती मार जेड़े अपने बच्चों के नाल हर दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद काउंसलिंग करते उदे मन च की चल रहा है उदे मन च बहुत कुछ चल रहा है जो तुहानू पुछना चाहता है तुहाडे कोल समझना चाहता है सच्चाई ये तुहानू उहनू समझाण दा उहनू सही रस्ता दिखाण दा उहदी प्रॉब्लम साउट आउट करन दा समा ही नहीं समा ही नहीं। ते जदों उहनू समा ना मिलदा तुहाडे कोलों फिर की करदा फिर बाहर अंदर जाणदा फिर दोस्तां यारां च बैठदा है जिद्दां दा रस्ता वह दसदे ने उदां दा रस्ता इख्तियार करदा। जे घर दे विच ही मां फ्रेंड बन के तुरे अपने बच्ची दी प्यो फ्रेंड बन के तुरे दोस्त बन के तुरे यार तेरे मन च जो है तू मैनूं दस मैं तेरा प्यो नहीं मैं तेरा दोस्त हाँ मित्र हाँ मित्र बन के तुरे मैं सच कहिंदा जे बार उन्नू मित्र दी लोड़ नहीं पेगी जदों घर दे विच उहदे मां प्यो मित्र बन जाणगे। आखो सतनाम नहीं लोड़ पेगी घर मां प्यो जदों मित्र नहीं बनदे उहदा दुख सुख नहीं सुणदे उहदी फीलिंग्स नूं नहीं समझदे ना उह बार फिर जिद्दां दा वी दोस्त मिलदा उह जाके फिर उदां दी संगत करदा। जदों घर च उहनूं इक फ्रेंडली एटमोसफेयर मिल गया घर च उन्हों मां बाप दे विच एक दोस्त मिल गया वो क्यों बार पटकेगा हर सुख दुख घर च शेयर करेगा। ये तेरी रिस्पोंसिबिलिटीज है काउंसलिंग कर बच्चे की भावनावां नूं समझ वो चाहता की है वो कहना की चाहता वो अंदर चलता की। कई बार होंदा सत्संग बच्चा ना बहुत मां नूं खिजांदा होंदा प्यो नूं बहुत खिजांदा होंदा कहने तो बाहर होंदा मां बाप नूं कहिंदी है कि देखो बच्चा इदां कीता जिहने मैनूं इदां जवाब दिता अगर मैं इहनूं नहीं रोकदी तां मैनूं मार भी दिंदा मैं ते हाथ भी चुक दिंदा बड़ा इदां दीआं गल्लां प्यो आके धाड़ धाड़ मारदा दो चार चंडा तू मां दे अगे अखाण दा तू मां दे अगे जबान खोल उहनूं पुछ। जदों बच्चा इहो जी प्रतिक्रिया कर रहा ना वह खिजा रहा है औखा कर रहा मापिआं नूं औखा तुहाडे अगे बोल रहा समझ लैणा उहदे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है जिस तों उह सैटिस्फाइड नहीं है और सैटिस्फाइड ना होण दे कारण उह अपनी इरीटेशन अपना गुस्सा उह तुहाडे ते कढदा पिआ। को सतनाम फिर गुस्सा सही तरीके नाल तां नहीं कढिआ जा सकदा गुस्सा सही लहजे विच तां नहीं कढिआ जा सकदा गुस्सा तां फिर माड़े तरीके नाल ही कढिआ जा सकदा। एक मिनट च समझ जाई इत्थे ड्यूटी अपनी समझी इत्थे तेरी रिस्पोंसिबिलिटी बनती है। जदों तू देख रहा ना कि तेरा मुंडा हुण गलत बोली बोल रहा है गलत चीज अगों वो प्रतिक्रिया गलत चल रही समझ जाई इहदे अंदर कुछ ना कुछ है बह जाओ देखो आ बेटा बैठ दस ये क्यों तू हरकत कर सच सच दस बेटा खुल के दस मैं खुल के दस तेरे अंदर की है की चाहता की आपां इह पुछदे नहीं हाँ पुछण दी बजाए धाड़ धाड़ दो चार मार दे होर बागी हो जाती होर बागी हो जाती बह अद्धा घंटा ला उहदे दिल दीआं गल्लां कढ उहदी पड़ास बाहर कढ उहनूं फ्रेंड दी तरह ट्रीट कर
फिर उस तो बाद तू देखी वो बच्चा कितने जाएगा। ताई ता साहब कहिंदे पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे।